तो शर्मा गए हैं। अरे बड़की, ऐसे तो हरा दोगे। हाँ लाइन से थोड़ा ऊपर लो, बस हाँ ये बोलिए, हाँ थोड़ा ऊपर पकड़ लो, एक्शन। आवाज आई गेम, जैसे कि आपने हम आपके कौन देखी होगी और पास बाय बोलते हैं इस गेम को, और हम लोग एक पिलो है वो पास कर रहे हैं जिसपे भी वो म्यूजिक भी साथ में चल रहा है, और म्यूजिक जैसे ही बंद होगा वो पिलो जिसके पास होगा उसे चिट निकालनी होगी, वो चिट में कुछ होगा तो वो आपको एक्ट करना पड़ेगा। तो बहुत ही मज़ेदार चिट्स निकली हमारी सबकी, ध्रुव ने शायरी सुनाई, थपकी ने गाना गाया, बिहान ने एक सरप्राइजिंग एलिमेंट दिया, उसको गिटार बजाना आता है मुझे पता नहीं था, और मुझे सबसे अच्छा लगा पूजा का, हमारी सुमन भाभी का जो उन्होंने शाहरुख खान की एक्टिंग की, और मम्मी जी ने भी बहुत खूबसूरती से अपनी कुछ अदाएं दिखाई जो हम नहीं देख पाते हैं उनकी अदाएं सीरियल में। सो ओवरऑल बहुत ही मज़ेदार। बिहान ने तो थपकी के लिए किया, ध्रुव ने आपके लिए क्या किया? ध्रुव अब मेरे लिए कुछ नहीं करता है टू बी ऑनेस्ट, अभी ध्रुव बहुत ही अलग जोन में चला गया है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत स्टबर्न और बहुत ज़्यादा गुस्सेल हो गया है, और उसको अब श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे लिए तो आई डोंट थिंक सो उसने वो शायरी की होगी, उसने शायरी वो थपकी के लिए की है, और मुझे बुरा लग रहा है बट मैं बहुत ज़्यादा यू नो कुछ कर नहीं सकती हूँ, आई एम मैं लाचार हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाई। श्रद्धा का अभी जो गेम चल रहा है वो उसको गेम को आप रहने ही दीजिए, आप ये देखिए कि हमारे जो शो में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं वो ट्विस्ट एंड टर्न्स खुद ब खुद एक गेम है, तो वो आप देखिए और आपको पता चलेगा कि सारे रिश्ते नाते अब अलग हो जाएंगे।
ऑडियंस को थैंक यू बोलती हूँ. बहुत प्यार करते हैं आप हमारे कैरेक्टर्स को, हमारे शो को, और इसी तरह प्यार करते रहिए आप हमें. अपना टाइम निकाल कर हमारा शो देखते हैं और बहुत सारे रिस्पांस देते हैं. ऐसे रिस्पांस की हम लोगों को बहुत बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज़ एक एक्टर जो होता है वो एक कॉम्प्लीमेंट का भूखा होता है, अपनी तारीफ़ का भूखा होता है, अपने काम का भूखा होता है. और हमें जो इस ये जो फीलिंग है उससे रूबरू आप कराते हैं, और आप ही हमारी जो भूख प्यास है वो मिटाते हैं अपने अपने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स देकर. सो इसी तरह अपने कॉमेंट्स देते रहिए, हमसे इसी तरह प्यार करते रहिए.